हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप अभिषेक के साथ। एंड आई होप आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड रिसेंटली हमने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं, तो इसी के मौके पे मैं अपना जो मेरा ऑल टाइम था वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से आप सभी को पता होगा मेरा ऑल टाइम में कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा था, वो एक सिंपल सा बस ऐसे टैंक पड़ा हुआ था क्योंकि मेरे घर में रेनोवेशन चल रही थी। सो ये वीडियो बेसिकली मेरे ऑल टैंक की रिशिफ्टिंग होगी, किस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट जो मेरा सॉफ्ट फिशेस का टैंक था उसको किस तरीके से सेटअप कर रखा, क्या क्या मैं अपने टैंक में यूज़ करता हूँ, तो इसके बारे में होगी। सो ये टैंक पिछले एक साल से मेरे घर पे नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसी ढंग से केयर नहीं कर पा रहा था, ना इसकी रेगुलर क्लीनिंग हो पा रही थी, ना ही इस पर रेगुलरली फिश इस पर या फिर मेरे टैंक की कंडीशन में ध्यान दे पा रहा था। इतना था कि मैं अपने फिश को वहाँ पर जिंदा रख सकता था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। रेगुलर क्लीनिंग ना होने की वजह से मेरे एक्वेरियम टैंक के ग्लास पे काफ़ी सारे सॉल्ट्स के मार्क पड़ गए थे। यूजुअली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जितने भी एक्वेरियमिस्ट अपने टैंक को रखते हैं, जो सॉल्टी वाटर या फिर जो आपका समरसीबल का पानी होता है उसको रखते हो, देखोगे कि जहाँ पर आप पानी नहीं रखते हो इवेपोरेट होने की वजह से वहाँ पर आपके सॉल्ट्स की मार्क पड़ जाते हैं। और सबसे गंदे लोग एक्वेरियम टैंक्स में वही देते हैं, और सबसे हार्ड काम में उनको हटाने का वही रहता है, क्योंकि उनको हटाना बहुत मुश्किल रहता है। बहुत जगह आपने देखा होगा इसको हटाने के लिए आप कोई लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, कोई आपका नींबू यूज़ करता है, कोई लेमन यूज़ करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए, बट उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मेरा काम वो बहुत कम टाइम में और जल्दी हो जाए। सो इसके लिए फर्स्ट चीज़ जो अपने टैंक में यूज़ करूँ साफ़ करने के लिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरा टैंक टोटली अंदर से वाटर प्रूफ हो, अच्छी तरह जितना भी पानी उसके अंदर हो वो सारा क्लीन कर चुका हूँ। तो स्पॉन्ज की मदद से जितना भी पानी मेरे टैंक के अंदर होता है वो सारा पानी मैं टैंक की मदद से निकाल देता हूँ। एंड जो कॉर्नर में जो पानी होता है उसको हटाने के लिए मैं न्यूज़पेपर या फिर किसी भी कपड़े का यूज़ करता हूँ, ताकि ईजिली आपका मेरा टैंक जो अंदर से अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। सॉल्ट मार्क को हटाने के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ वो होता है आपका कोई भी टॉयलेट क्लीनर या फिर कोई भी आपका जो ग्लास क्लीनर होता है, कोई भी केमिकल होता है जिससे आप कुछ भी आपके सॉल्ट मार्क हटा सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। आप ग्लास क्लीनर यूज़ भी कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट रहते हैं और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेरिजन में, और आपके टाइम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि सॉल्ट मार्क को हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ये ऑल टेक्निक यूज़ करोगे या फिर आप ये नींबू और नमक लेके बैठे रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है कि वहाँ पर हम आपको टाइम लग जाए हटाने में, स्टिल आपको वो क्रिस्टल क्लियर ग्लास नहीं मिलता। सो ये टैंक मेरा ऑलरेडी एक साल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि आपको रीज़न बता चुका हूँ। सो मुझे अच्छे तरीके से साफ़ करना था। आई रिकमेंड कि अगर आप हारपिक यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि जहाँ पर सॉल्ट मार के वहीं पर लगाए वो नीचे ना जाए, कि हो सकता है उसके आपको फर्स्ट टाइम में कुछ साइड इफेक्ट देखे या फिर आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहाँ पर है वो हट जाए। बहुत से लोग ग्लास को क्लीन करने के लिए पोटेशियम पर मैगनेट का भी यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, जितने भी आपके पैरासाइट एंकरवॉर्म में जो भी छोटे मोटे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे पैरासाइट्स होते हैं जो आपके फिश को हार्म पहुँचाते हैं, उससे वो मर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट मेरा टैंक अच्छी तरीके से साइकिल, एक हेल्दी टैंक है, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट अगर कोई चाहता है कि अगर आपको पैरासाइट रिमूवल के लिए एक वीडियो चाहिए, तो उसके लिए अलग से रिमूवल एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट एंड पैरासिडोल मेडिसिन का यूज़ किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे। पर ग्लास क्लीन करने के लिए यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा हार्पिक का सिंपल सा क्लीनर, जो आपका क्या करें सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देगा ग्लास को साफ़ करने के लिए। इस चीज़ को यूज़ करने के बाद ही आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट अपने उस पर दिखेगा, किस तरीके से आपको सारे सॉल्ट मार्क हट जाएंगे। वन सजेशन कि आफ्टर यूजिंग दी क्लीनर, आप उसके बाद एक खाली न्यूज़पेपर से आप शीशे को साफ़ कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ब्लड दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा वो गीला रहता है, लेकिन सूखने के बाद आपका वो ग्लास पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको टैंक एक बहुत अच्छी लुक और बिल्कुल न्यू लुक लगेगी। टैंक को सेटअप करने के लिए आप सभी के पास, अगर आपके पास टैंक है तो आप सभी को पता होगा टैंक किस तरीके से रखा जाता है। बट आई रिकमेंड आप जब भी आप टैंक जहाँ पर रख रहे हो आप उसके लिए कोई स्टैंड बना रहे हो, सो वो स्टैंड आपके टैंक से हर साइड से आपका 2-2 इंच ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब उसे रखो आप उस पर कुछ उठाओ तो आपको ईजिली आप उसे पिकअप करने में आसानी हो। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो सबको सब लोग नहीं बताते, बट स्टिल रिकमेंड कि अगर आप एक स्टैंड बना रहे हो टैंक के लिए, सो आपके टैंक साइज़ एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम एवरी साइड वो आपका बड़ा हो, ताकि उसको ईजिली अपलिफ्टमेंट के लिए आपका काफ़ी आसान वो रहे। यहाँ पर मैंने अपने टैंक की ऑल टेप हटा दी थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही थी, मैं चाहता हूँ मेरे टैंक पूरे अच्छे तरीके साफ और नीट टैंक लगे। सो सारी टेपिंग हटा चुका हूँ, ताकि मैं दोबारा इसको रीसेटअप एंड दोबारा से अच्छी तरीके से उसको लगा सकूँ। सो टैंक सेटअप करने के लिए, टैंक को रखने के लिए आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, एक चीज़ की गलती हो सकता है आपके टैंक को हार्म हो जाए, टैंक आपका टूट जाए। आफ्टर दिस आप में टैंक के स्केपिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं,
ये टैंक का मेरा स्केपिंग थर्ड टाइम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पहले मेरे कुछ कलरफुल सेंट्स थी, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी ब्लैक कलर की सेट है विद वाइट रंग की, मैं कुछ कोटिंग करूँगा उस पर। अगर आप चाहते हैं तो आप उस पर ग्रास मैट यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने अपने हार्ट फिश के टैंक पर कर रखा है, नहीं तो आप स्टोन यूज़ कर सकते हैं। स्टोन के अलावा जो आपका मन करे, आप प्लांटेड, अगर आपके में सॉफ्ट फिश है तो सॉफ्ट फिश के प्लांटेड टैंक भी बना सकते हैं, आप सोइल डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपका प्लान आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जो बेसिक प्लान था यहाँ पर कि मैं सैंड यूज़ करूँगा क्योंकि सैंड से एक अच्छे लुक आते हैं, मेरी जो एक्वेरियम की लाइटिंग है वो भी इस चीज़ों को काफ़ी अच्छा उसको बढ़ा के देते हैं। सो इस टैंक में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर की 25 kg का सैंड है मेरे पास, और इसको टैंक में सेटअप करने से पहले मैं वॉश कर चुका था। जब भी आप टैंक को पूरे तरीके से क्लीन करें, रिकमेंड कि आप सैंड को अच्छे तरीके से वॉश करें क्योंकि जो फिशेस का फीकल मैटर होता है वो उसमें जाके आपका जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हर बार पानी चेंज करने पे हो सकता है कि आपका पानी क्लाउडी रहे। सो अगर आप टैंक को 6 मंथ या 8 मंथ के बाद आप पूरा तरीके से क्लीन कर रहे हो, आई सजेस्ट कि आप सैंड को अच्छे तरीके से धोए, साफ करें, देन उसको दोबारा रीयूज कर दोबारा उसको लगाए। सैंड की क्वांटिटी आप अपने टैंक के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा टैंक 3 फीट का था तो मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 किलो की सैंड रखी है। इससे पहले जब मैंने टैंक फर्स्ट टाइम सेटअप किया था तो मेरे टैंक में सिर्फ 10 kg सैंड थी। सो अपने अकॉर्डिंगली जो आपके टैंक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेंट फिक्सअप करने के बाद जो जो आपको टॉयज लगाने होते हैं, जो जो आपको हिडन स्पेस लगाना हो, जो जो आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने होते हैं अपने टैंक के लिए, वो आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर जब मैंने टैंक बनाया तो मैंने खुद से अपनी तरफ से कुछ हैंडमेड टॉयज बना रखे थे। हैंडमेड मैंने हिडन स्पेस बना रखा था जो फिशेज के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं छुपने के लिए। मेरी मोस्ट ऑफ दी प्लैको फिशेज, मेरी मोस्ट ऑफ दी स्मॉल फिशेज उसी के पीछे छुपी रहती है, जब भी अंधेरा होता है लाइट जाती है वहीं जाकर आराम से रेस्ट करते हैं। सो इस टॉय को बनाने के लिए जो जो मैंने यूज़ किया था वो सिंपल सीमेंट, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें होती है घर बनाने में, सीमेंट, रोड़े, पत्थर एंड स्मॉल स्मॉल स्टोन यूज़ करे थे मैंने जो उसको बनाने के लिए। बाकी आपकी वो खुद की इमेजिनेशन होती है आप किस तरीके से उन स्टोन्स को शेप देते हो। मैंने यहाँ पर जो अपने होममेड का टॉय बना रखा है, यहाँ पर जो शेप दिखे वो दो केव टाइप शेप दे रखे ताकि कुछ एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से निकले। आप चाहते हो अपने तरीके से कोई भी टॉय बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक टॉय बना रखा है हाइडिंग स्पेस के लिए, ट्यूब्स बना रखे थे फिश के लिए जो उनको छुपने में क्या करती हेल्प करती। अगर आपके पास हिडन स्पेस है आप खरीद सकते हो, नहीं तो आप अपने लेवल पे आपने बहुत ही सस्ते में आपको बना सकते हो। ये टॉय का कॉस्ट हार्डली से हार्डली मेरे को सिर्फ 30 से 40 रुपीज़ का पड़ा था। इस टॉय को सेटअप करने के बाद मेरे पास बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम थी, जिसमें से कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, जिसमें से कुछ हमारे सी शेल थे, हमारे टर्टल से नॉट रियल टर्टल, आर्टिफिशियल ग्लास टर्टल थे, स्टोन थे वाइट रंग के। मैंने वाइट रंग के स्टोन इसलिए करे क्योंकि वो ब्लैक के साथ कंट्रास्ट में जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो जो भी आप थीम बनाए मेक श्योर कि थीम के साथ वो मैच करना चाहिए। मेरे जो फ्यूचर प्लान है, मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा इंपॉर्टेंट गोल्डफिश टैंक में कन्वर्ट कर दूँ प्लांटेड टैंक के साथ, जो आने वाले फ्यूचर्स असाइनमेंट में जरूर पूरा होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अपने आइडिया के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगते हो प्लांट्स, स्टोन, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। ये आपका फ्री विल, आप किस तरीके से सोचना चाहोगे। इमेजिनेशन इज नॉन लिमिट, आप जो आपको आइडिया चाहिए उस तरीके से फिक्स आप फिट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप टैंक को जितना सिंपल जितना सोवर रखे उतना अच्छा लगता है। मतलब स्टाइल मेरे को चीज़ें मैं चाहते हैं तो वेस्ट हो, आप चाहते तो बहुत ही कम चीज़ें रख के भी उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि उनके स्विमिंग के लिए स्पेस हो। अगर फिशेज के लिए स्विमिंग के लिए स्पेस ही नहीं होगा, सबको सजा दोगे तो उन्हें बड़े इरिटेशन से रहती है, वो आपके स्ट्रेस में रहेगी। और आप जो सी शेल मेरे देख रहे हो वो सी शेल जो है बिल्कुल ओरिजिनल सी शेल है, आर्टिफिशियल नहीं है। उस पर ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर आपको कॉरल्स के मार्क मिल जाएंगे जहाँ पर आपके कॉरल्स वहाँ पर सिचुएटेड थे। आप वाइट रंग के आपको देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से मार्क होंगे आपके कॉरल्स से, जो आपके ओशनिक में ओशन लाइफ में मिलते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। मरीन टैंक में आपको कॉरल्स देखने काफ़ी आसान मिल जाते हैं, सिसाइल एंड आपके पॉलिक फॉर्म में जो मिलते हैं। मेरे टैंक में डेकोरेटिव आइटम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो चीज़ों मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। मेरे घर में जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें या जो भी चीज़ें पड़ी थी जो ख़राब हो रही थी उसको मैंने रीयूज़ करा ताकि मैं टैंक में डाल सकूँ, उसे अच्छा बना सकूँ। जैसे इसमें मैंने छोटे से गणेश जी थे जो यूज़ नहीं हो रहे थे, गंदे हो चुके थे, मतलब एक छोटे बहुत बचपन में गिफ्ट मिला था उसको भी मैंने डाल के वहाँ पर डाला ताकि एक अच्छे से लुक मिला। आजू बाजू मैंने एक बाउंड्री बना दी। सो ये चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हो ताकि आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो और फाइनेंशियली आपको बेनिफिट मिले। मोस्ट ऑफ दी अगर आप एक्वेरियम में आप अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई रिकमेंड अपने फिल्टर में कीजिए, अपने फिश की क्वालिटी में कीजिए। डेकोरेटिव आइटम में जितना आप रीयूज, जितना अपने खुद के आइडिया लोगे उतना ही बेटर रहता है। एंड सब कुछ रखने के बाद लास्ट में मैं जो यूज़ कर रहा था वो थे मेरे वाइट स्टोन, जो मैं एक बाउंड्री दे रहा था जिससे मेरे उस ब्लैक सेंट की एक क्वालिटी बहुत अच्छी उभर के आती है। सो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं टैंक सेटअप के बारे में आपको बताया कि टैंक सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके से आप टैंक सेटअप कर सकते हो, किस तरीके से आप सैंड यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आप आइडिया लगा सकते हो। ये वीडियो बहुत बड़ी हुई थी इसलिए मैं 3 पार्ट में इसको बनाऊंगा कि फिश किस तरीके से ऐड करते हैं, क्या क्या मैं टैंक में यूज़ कर रहा हूँ, फिल्टर और सब चीज़ें।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत जल्दी मैं अपने व्लॉग्स लाने वाला हूँ इस चैनल पे, जहाँ पर जो भी मैं घूमूंगा वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हम वहाँ पर देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें उन जगह पर देखने को मिलेंगी, क्या क्या हम कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। सो बहुत जल्दी हम चैनल पर न्यू कंटेंट लाने वाले हैं। सो इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।